बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। ये कुछ लेक्चर एथिक्स हैं जिसके बारे में आप लोग को डे फर्स्ट से ही पता है, और वो तमाम स्टूडेंट्स जिनको नहीं पता था दे कैन गेट इट, कि आप लोग के माइक स्विच ऑफ होने चाहिए और कैमराज आप लोगों के ऑन हो ऑफ हो अभी मैटर नहीं करता। बाकी रेस्ट ऑफ द थिंग कि मैं हर स्लाइड में मैक्सिमम 1 मिनट का जरूर टाइम दूंगी, जहाँ जो स्लाइड मुझे लगती है कि दिस इज टफ, तो उसमें आप लोगों के माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप तब पूछ सकते हैं ड्यूरिंग द लेक्चर। अवॉइड द माउस रोटेशन, माउस कंट्रोल को आप लोगों ने अवॉइड करना है, और अपने माइक को भी अनम्यूट करने से अवॉइड करना है। ठीक है जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हम स्टार्ट करते हैं। जी आप लोग का लेक्चर नंबर 1 की ही कंटिन्यूटी है। एक्चुअली आप लोग का टॉपिक नंबर 1 चल रहा है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को हम लोगों ने समझने से पहले ये देखा था कि हमने इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन हमें पता होना जरूरी है, कि जो सब्जेक्ट हम पढ़ने जा रहे हैं ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों हमारे इस बिजनेस मैनेजमेंट या अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के जो प्रोग्राम है इसमें इंक्लूड किया गया है। जी इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में हम लोगों ने ये देखा कि 1 सेकेंड, ओके, इसमें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में एक आप लोग को प्रीव्यू देती जाऊं, क्योंकि आप लोगों को ऑलरेडी इस लेक्चर के बारे में काफी डिटेल में बता दिया गया, लेकिन फिर भी कि इकोनॉमिक्स बेटे डील करती है हमारी अनलिमिटेड वांट्स को विद रिस्पेक्ट टू और लिमिटेड रिसोर्सेज। हमें पता है कि हमारे जो हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, जिस वर्ल्ड में हम रहते हैं, यहाँ पे रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं। चाहे आप पानी का ले लें, इवन अब तो हवा जो ऑक्सीजन आप लेते हैं वो भी लिमिटेड हो गई है। क्यों? क्योंकि हमारी ओजोन लेयर तबाह हो रही है। ठीक है, हमारी एक एक रिसोर्स, हमारे ट्रीज, हमारा फूड, इवन हमारे एनिमल्स जो हम लोग जो हलाल जानवर है जो हम लोग खाते हैं, इवन के वो भी एक लिमिटेड रिसोर्स है, लेकिन हमारी जो वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है। हमारा पेट कभी भी नहीं भरता, हमें ये भी चाहिए, हमें वो भी चाहिए, हमें हर चीज़ चाहिए होती है। तो इस बहुत सारी वॉन्ट्स को मैनेज करना लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर रहते हुए, ये सारी की सारी जो इंफॉर्मेशन और जो हमें सिखाता है वो हमें इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट सिखाता है। तो इकोनॉमिक्स हमें सिखाती है कि हाउ टू कोप अप विद योर अनलिमिटेड वॉन्ट्स विद रिस्पेक्ट टू लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज के अंदर हमें कैसे रहना है अपनी अनलिमिटेड वॉन्ट्स को कंट्रोल करते हुए। तो बेटे इसमें हमने देखा था एडम स्मिथ का सबसे पहला रोल। एडम स्मिथ वो इंसान था, वो इकोनॉमिस्ट है जो कि जिसको स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट कहा जाता था। एडम स्मिथ वॉज द पायनियर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इससे पहले अगर बात की जाए तो हमारे काफ़ी सारे इब्न खालदून हैं जो कि मुस्लिम फिलोसोफर हैं, जिन्होंने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करवाया था, मगर एज अ सब्जेक्ट जिसने मुतारिफ करवाया कि बकायदा उसके ऊपर किताबें लिखी और बता दिया दुनिया को कि इकोनॉमिक्स भी एक पढ़े जाने वाला सब्जेक्ट है, समझे जाने वाला है, हमारी लाइफ से रिलेटेड है ये, तो वो एडम स्मिथ ने इंट्रोड्यूस करवाया था। कैसे इंट्रोड्यूस करवाया था? उसने 1776 में एक बुक पब्लिश की थी, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस के नाम से। उसमें उसने एक जिक्र कर दिया नाम टर्म का इनविजिबल हैंड, जिसको बोला जाता है मनी, यानी कि पैसा, एक ऐसी चीज जो कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज बनाया और उसको इनविजिबल हैंड का नाम दे दिया। लेटर ऑन टर्म्स में इनविजिबल हैंड को एक बकायदा मनी का नाम दे दिया गया था। इसने एक छोटी सी डेफिनेशन बताई थी कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, यानी कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट वेल्थ। इकोनॉमिक्स है ही दौलत का सब्जेक्ट, कि आप इसमें वेल्थ की ही प्रोडक्शन, वेल्थ की ही कंजम्पशन, वेल्थ की ही एक्सचेंज और वेल्थ की ही आप जो डिस्ट्रीब्यूशन को डील करते हो विद रिस्पेक्ट टू 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसने जिक्र किया 3 चीज़ों का, एक इनविजिबल हैंड का यानी कि मनी का डिस्कस कर दिया, कि आप लोग बार्टर सिस्टम को छोड़ें, आप कोई ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज मुतारिफ करवाएं जिसके जरिए लोगों के साथ आप चीजें ले सकें। यानी कि बार्टर सिस्टम में तो ये होता है ना कि आपने एक चीज दी और 2 चीजें ले ली, हो सकता है आपको 2 चीजों की जरूरत ही ना हो, आपको एक चीज की जरूरत हो, तो आगे आप किसी को फ्री में तो नहीं वो चीज दे सकते ना, तो ये प्रॉब्लम आती थी बार्टर सिस्टम में। ऑन द अदर हैंड एडम स्मिथ ने क्या किया कि इनविजिबल हैंड यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, उसने एक मनी का यूनिट मुतारिफ करवाया। उसने कहा कि कोई ऐसी चीज हो जैसे कॉइन्स हो जाएं, या जैसे सबसे पहले गोल्ड चलता था, गोल्ड वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर कॉपर वॉज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज, आहिस्ता आहिस्ता फिर पेपर मनी इंट्रोड्यूस होता गया। तो बेसिकली ये इनविजिबल हैंड मनी का कंसेप्ट है। तो उसने इसकी कहा कि विद रिस्पेक्ट टू 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हम अपनी इकोनॉमिक्स की जो वेल्थ है कैसे उसको प्रोड्यूस, एक्सचेंज, कंज्यूम और डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो वो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ये थे। ठीक है, हमारा लैंड, हमारा लेबर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन, हमारा कैपिटल एंड हमारी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। लैंड में हमारे तमाम हमारे जो नेचुरल नेचर के गिफ्ट्स हैं, जैसे हमारे फॉरेस्ट, हमारी सोइल, हमारे रिवर्स, माइंस, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। यानी कि ऑल द फर्टाइल लैंड्स आर द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन।
इसके बाद लेबर, लेबर में क्या आता है, ऐसा इंसान जिसकी हम लोग मेंटल और फिजिकल सर्विस हासिल कर सके। मतलब कि अब लेबर है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं है तो वो काम तो कर सकता है ना, वो ईंटें लगा सकता है, अगर वो ये ईंटों की सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है तो ही इज कॉल्ड लेबर। अगर उसको ईंटें लगाना नहीं आती लेकिन ईंटों को मैनेज करना आता है कि मैं किस इंसान को क्या क्या चीजें दूंगा, तो वो एक मेंटल सर्विस अपनी पे कर रहा है, तो ही इज ऑल्सो कॉल्ड लेबर। कैपिटल में हमारी मशीनरी, हमारी बिल्डिंग, हमारी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि हमारे बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली, लेटर ऑन टर्म्स में इस्तेमाल होने वाली चीजों को हम लोग बोल देते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप में हमारी तमाम ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है। तो ये सारी की सारी चीजें जो रिलेट करती हैं एडम स्मिथ के डेफिनेशन से हैं कि इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ वेल्थ, और इस वेल्थ को इन फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसके बाद बात आई थी अदर डेफिनेशंस की, कि एडम स्मिथ ने अगर सेल्फिश होके सिर्फ उससे मनी की बात कर दी थी, तो नेक्स्ट ऑन द लेटर ऑन टर्म्स 1890 में एल्फ्रेड मार्शल ने वेलफेयर इकोनॉमिस्ट होने के साथ साथ उसने इकोनॉमिक वेलबींग की भी बात की। उसने कहा कि आप लोगों की मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन देखिए, कि ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में भी इकोनॉमिक्स रोल प्ले करती है। इकोनॉमिक्स सिर्फ और सिर्फ ऑन द अपर लेवल मैक्रो लेवल पे काम नहीं करती, इकोनॉमिक्स आम डिसीजंस में भी हेल्प करती है। इसके अलावा फिर उसके बाद एल्फ्रेड मार्शल के अबव लियोन रॉबिन्स था, उसने मॉडर्न इकोनॉमिस्ट एक चीज इंट्रोड्यूस करवा दी, स्कार्सिटी। उसने कहा कि हमारे पास जो रिसोर्सेज है वो खत्म होने वाले हैं। एडम स्मिथ ने तो वेल्थ की बात कर दी ना, कि वेल्थ प्रोड्यूस करते जाएं करते जाएं, वेल्थ को प्रोड्यूस करने के लिए जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, उन लिमिटेड रिसोर्सेज को भी काम में लाया जाए। तो इन तमाम तीन लोगों इकोनॉमिस्ट जो मेन मेन इकोनॉमिस्ट है, उनकी डेफिनेशन को अगर एक जगह पे रखा जाए तो हमें पता लगता है कि बेटे इकोनॉमिक्स द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एलोकेट स्कार रिसोर्सेज। स्कार रिसोर्सेज का मतलब है जो कि लिमिटेड रिसोर्सेज है। इकोनॉमिक्स में लिमिटेड रिसोर्सेज का लफ्ज ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता, उसकी जगह पे स्कार रिसोर्सेज का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं हम। स्कार रिसोर्सेज फॉर प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन बोथ इंडिविजुअली एंड कलेक्टिवली। यानी कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके लिमिटेड रिसोर्सेज को डील करता है, एलोकेट करते हैं, उनको कैसे इस्तेमाल किया जाए इंडिविजुअल लेवल पे भी और कलेक्टिव लेवल पे भी। यहाँ से आपको पता लगेगा कि ये यहाँ पे इंडिविजुअल कलेक्टिव की क्यों बात हुई, क्योंकि इकोनॉमिक्स को एज अ मेन सब्जेक्ट लिया जा रहा है, कि जो आम ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में भी इस्तेमाल होता है। इंडिविजुअली यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स, कलेक्टिवली यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये आगे बात आएगी कि इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया गया टू ब्रांचेस में, एक माइक्रो में और एक मैक्रो में। इसी तरीके से आप लोगों को इस सेमेस्टर में माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करवाया जाएगा, यानी कि इंडिविजुअल लेवल के ऊपर स्टडी कैसे इकोनॉमिक्स करती है, इंडिविजुअल लोगों की लाइफ के ऊपर कैसे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, इसके बारे में बताया जाएगा। ऑन द लेटर ऑन नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग को मैक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि ओवरऑल वर्ल्ड स्टेट लेवल पे इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट क्या रोल प्ले करता है, ये आप लोग को नेक्स्ट सेमेस्टर में बताया जाएगा। फॉर द नाउ सिर्फ इतनी सी बात है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स जो बेटे इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करती है, इन तमाम लोगों के सेपरेट सेपरेट ह्यूमन बिहेवियर्स को देखती है। अब ह्यूमन बिहेवियर्स को देखने पे आए तो वो फिर सबकी डिमांड्स भी मुख्तलिफ हैं, सबकी वॉन्ट्स भी मुख्तलिफ हैं, तो वो क्या करती है कंज्यूमर बिहेवियर को देखती है। कंज्यूमर बिहेवियर यानी कि ऐसा इंसान जो कि चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जो कि चीज़ों को एक्चुअल में कंज्यूम करता है। अब आप मार्केट में जाते हो एक शैम्पू लेने, आप शैम्पू सिर्फ और सिर्फ अपने रूम में ला के रखने के लिए तो नहीं लेते ना, उसको इस्तेमाल करने के लिए लेते हो। आपको पता है कि मैंने अपने बालों को वॉश करना है, नहीं तो एक गंदे हो जाएंगे, तो आप उसके लिए शैम्पू यूज कर रहे हो, उसको सिर्फ देखने के लिए, सिर्फ डेकोर पीस के लिए नहीं ले रहे हो। तो ये तमाम चीज़ें, इन सारी चीज़ों को डिस्कस करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी लेट्स गो फर्दर। 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक, आपका आज का बेसिक टॉपिक, एक्चुअल टॉपिक जो आप लोगों का बनता है, आप लोगों की बुक का इंशाल्लाह ये फर्स्ट चैप्टर होगा 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आप लोगों के जो सब टॉपिक्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, उनकी थ्री कैटेगरीज बनी हुई है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इंट्रैक्शन बिटवीन पीपल एंड फंक्शन ऑफ इकोनॉमी एज अ होल। अब यहाँ पे जो तीन कैटेगरीज है ना बेटे, ये सारी तीन कैटेगरीज कवर कर रही है इन 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स को। अगर मैं इसके बारे में आप लोगों को बताऊं कि 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स, जैसे हम कहते हैं, हम लोगों ने बचपन में सुना हुआ है कि अगर आपको लाइफ अच्छे गुजारनी है तो यू शुड हैव सम प्रिंसिपल्स, सम रूल्स टू फॉलो। आप लोगों को कुछ रूल्स फॉलो कर लेने चाहिए अपनी लाइफ को बेहतरीन तरीके से गुजारने के लिए, ठीक है जी। इसी तरीके से इकोनॉमिक्स भी हमें कुछ ऐसे ही 10 सुनहरी असूल देती है, 10 प्रिंसिपल्स देती है, जिनको फॉलो अप करते हुए अपनी लाइफ में हम लोग मेन मेन डिसीजंस ले सकते हैं। अब मेन डिसीजन क्या होते हैं, एक होता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ठीक है। सबसे पहली कैटेगरी आती है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। इकोनॉमिक्स अपने 10 प्रिंसिपल्स में से 4 प्रिंसिपल्स में सिर्फ और सिर्फ डिसीजन कैसे लेते हैं इसके बारे में बात करती है।
अगले जो तीन प्रिंसिपल्स है उस पर बात करती है कि लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत इंटरेक्ट कहाँ कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, क्या मौके प्रोवाइड किए जा सकते हैं कि लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकें। थर्ड कैटेगरी में इकोनॉमिक्स अपने आखिरी तीन असूलों की बात करती है, जिसमें वो बात करेगी इकोनॉमिक को एज अ होल यानी कि स्टेट लेवल के ऊपर कैसे लेके चला जाए। तो सबसे पहले आज बेटे बात करेंगे हम लोग इस कैटेगरी की, फर्स्ट कैटेगरी की, जिसके अंदर इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल्स में से सिर्फ और सिर्फ 4 रूल्स आते हैं। ये 4 रूल्स, ठीक है, ओनली दीज 4 रूल्स आर डिस्कस इन द डिसीजन मेकिंग प्रिंसिपल। टोटल 10 रूल्स है, यानी कि 4 रूल्स इस्तेमाल होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, नेक्स्ट 3 रूल्स इस्तेमाल होते हैं इंटरेक्शन में, और अगले 3 रूल्स इस्तेमाल होते हैं जब इकोनॉमी को एज अ होल वर्क करना होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे इस कैटेगरी की, फर्स्ट कैटेगरी है जो हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की कैटेगरी है, इसकी बात करेंगे। जी बेटे, इसमें हमारे पास क्या है कि 4 प्रिंसिपल्स आते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल्स है पीपल फेस ट्रेड ऑफ, लोग कैसे डिसीजन लेते हैं, ऐसी क्या सिचुएशंस क्रिएट होती हैं कि लोगों को डिसीजन लेना ही पड़ता है। मतलब ऐसा क्यों नहीं होता कि लोग जो चाहते हैं वो कर लें, नहीं, लोगों को डिसीजन लेना पड़ेगा, किसी एक चीज को मुंतखब करना पड़ना है, चूज करना पड़ना है उनको एक चीज को। तो सबसे पहला रीजन क्या बनता है कि लोगों को ट्रेड ऑफ का सामना करना पड़ता है, पीपल फेस ट्रेड ऑफ। ट्रेड ऑफ आप बेटे अपनी इंडिविजुअल के माइक्रो इकोनॉमिक्स से इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, आपसे स्टोरी स्टार्ट करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, आपको ट्रेड ऑफ फील करने अपनी रियल लाइफ में लेने पड़ते हैं। अब आप जैसे मेरा लेक्चर ले रहे हैं, आपके पास एक चॉइस ही, आप घर में अभी इस टाइम में बैठ के आप कोई मूवी भी देख सकते थे, आप टीवी चला सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, टीवी चलाने मतलब टीवी को कंज्यूम करने और लेक्चर अटेंड करने में से दोनों में से एक चीज का डिसीजन लिया। ठीक है, आपने, आप मेरा लेक्चर इसलिए नहीं ले रहे कि आपका दिल चाह रहा था, डेफिनेटली पढ़ने का किसका दिल चाहता है, स्टूडेंट्स मजबूरी में ही पढ़ते हैं, इस चीज के बारे में हमें इल्म है। ठीक है, तो अब आप लोगों को लेक्चर लेना जरूरी था क्योंकि आप लोगों ने डिग्री प्रोग्राम ले लिया और आप लोगों को डिग्री भी चाहिए, आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी चाहिए और साथ साथ आप लोगों को नॉलेज भी चाहिए। तो ये सारी चीजों को आप लोगों ने गैदर करते हुए अपना ये पीपल फेस ट्रेड ऑफ का मतलब के इस डिसीजन को लिया है। अच्छा, हियर आई एम कोडिंग वन थिंग कि आप लोग का ये जो मीटिंग टाइम है 10 मिनट्स में ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा, मैं आप लोगों को सेकंड लिंक सेंड करूंगी, आप लोगों ने वो ज्वाइन कर लेनी है। ठीक है जी, उसके बाद सेकंड प्रिंसिपल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। लास्ट लेक्चर में इसको मैं डिस्कस कर चुकी थी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, फर्दर आगे इसकी एक्सप्लेनेशन में जाती हूँ। फिर उसके बाद थर्ड रूल है कि रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, लोग जब डिसीजन लेते हैं तो मार्जिन पे रख के लेते हैं। आप जब अपनी अपनी रियल लाइफ में गौर करो तो आप जब जब डिसीजन लोगे आप हमेशा मार्जिन पे रह के सोचोगे कि क्या ये मुझे फायदा देगा। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई चीज फायदा दे रही है तो आप उसको ले लोगे, इनफैक्ट आप उस चीज को छोड़ दोगे जिसमें आप लोगों को कम फायदा नजर आ रहा होगा, और जिसमें आपको थोड़ा सा जस्ट 0.5 फायदा नजर आ रहा होगा आप उसको ले लोगे। तो वही सोचना होता है पीपल, रैशनल पीपल थिंक एट मार्जिन, रैशनल पीपल यानी के अकलमंद लोग मार्जिन पे रख के सोचते हैं। चौथा प्रिंसिपल जो ये इसमें आता है, हाउ पीपल मेक डिसीजन में, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स। इंसेंटिव्स होते हैं बेटे फायदे, आप लोगों को एक्स्ट्रा कोई बोनस दे देना, ठीक है, कोई फायदा पहुंचा देना, लोग हमेशा फायदों को रिस्पॉन्स करेंगे। अब लेट्स से आपके पास 2 जॉब्स हैं, ठीक है, एक जॉब में आपको छुट्टियां सिर्फ मिल रही है, 2 वीक्स की छुट्टियां, मतलब वीक में 2 दिन सैटरडे एंड संडे ऑफ। एक जॉब ऐसी है जिसके अंदर आपको इनकम मतलब आपकी सैलरी ज्यादा है, ठीक है, उस जॉब से जिसमें आपको सैटरडे और संडे की ऑफ मिल रही है। अब वहाँ पे आपको सैलरी ज्यादा मिल रही है, लेकिन सैलरी के साथ साथ आपको मेडिकल भी मिल रहा है, लेकिन जो दूसरी जॉब है उसमें ना तो सैलरी ज्यादा है ना ही मेडिकल फैसिलिटी है, सिर्फ और सिर्फ 2 दिन की छुट्टी है। अब इसमें से डिसाइड करो मार्जिन पे रख के कि आप कौन सी जॉब को ऑप्ट करना चाहोगे, डेफिनेटली वो वाली जिसमें इनकम आपकी ज्यादा है या फिर आपकी छुट्टियां। ये अब आपकी बेस करता है आपकी प्रेफरेंसेस के ऊपर कि आप प्रेफर करते हो लेयर टाइम को या अपनी ज्यादा सैलरी और इंसेंटिव्स को। ठीक है, वहां पे जो इंसेंटिव जिस इंसान को सूट करेगा, अगर उसको इंसेंटिव छुट्टियों वाला अच्छा लगता है तो वो जॉब ए को चूज कर लेगा, और अगर किसी को ज्यादा सैलरी चाहिए विद मेडिकल अलाउंस तो वो जॉब बी को चूज कर लेगा। दीज आर द इंसेंटिव्स दैट पीपल रिस्पॉन्ड टू। ओके।